नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज बकेट, और आप लोगों के साथ मैं कुलदीप। गांव में कितना विकास हुआ है वो खबर देखने के लिए, वही जानने के लिए हम लोग हर गांव में जा रहे हैं, और किस गांव में कौन सा योजना सब तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, वो हम खुद गांव वालों से पूछेंगे कि क्या कौन सी योजना किसको मिली है। क्या नाम पड़ेगा आपका? विक्रांत गुप्ता। विक्रांत जी, आपके गांव में कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं, वही तो रोड बना है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि सारे गांव में रोड बन गए हैं, तो देख लीजिए बना है तो। देख लीजिए भैया, सामने तो है, जो ये तो सामने देखिए रोड है ना, यही देख लीजिए, ये सामने मंदिरी पे, वहाँ मंदिरी पे। हाँ, रोड तो इधर तो एकदम पूरा ध्वस्त हो गया है। जो पानी टंकी बन गई हमारे यहाँ का, वो तो पानी टंकी एकदम पूरा, देखिए एकदम रोड एकदम पूरे खत्म हो गया, पानी रोज फुट फुट कर उसमें से बह रहा है। आवास मिला है कि नहीं आपको? आवास तो नहीं मिला है हमें। नहीं मिला है? शौचालय बना है? शौचालय बना है। शौचालय बना है? हाँ। कितना शौचालय में आपका कीमत लगा, पैसा कितना लगा? लगा तो है 40,000 के लगभग। 40,000? लेकिन 12,000 रुपए सरकार ने दिया। हाँ, तो उसमें क्या बनेगा? उसमें तो गड्ढा खन देंगे तो उसकी टंकी हो जाएगी 12,000 में, ईटा भर देंगे, अगर गड्ढा खन देंगे मजदूर को दे देंगे। अच्छा ये बताइए कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो बहुत, महंगाई तो सीमा से ऊपर। क्या काम करते हैं? हम तो यही लेबराना करते हैं। काम कैसा का चल रहा है आपका? वही एक दिन कर रहे हैं तो 10 दिन बैठे हैं। 10 दिन बैठे हैं। मनावे तो एक चीज बताइए कि 2022 में विधानसभा चुनाव है, किसकी सरकार बनाना पसंद करेंगे? अखिलेश को बन जाए तो क्यों अखिलेश रहेगा? वही तरह सही, अखिलेश बढ़िया है जो हम लोग को। क्या नाम है आपका? राम बदन। राम बदन जी, क्या करते हैं? कुछ ना, यह पूजा पाठ। पूजा पाठ करते हैं जी? कितने साल से पूजा पाठ करते हैं? करीब करीब 86 से। 86 से काफी लंबा समय हो गया आपको पूजा पाठ करते? जी हाँ हाँ। तो गांव वाले क्या आपको किस नजरिए से देखते हैं? अच्छे नजर से देखते हैं। अच्छा अच्छा। सरकार के बारे में कुछ बताएंगे? सरकार के बारे में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो बताइए थोड़ा, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सरकार कुछ नहीं यहाँ किया है, इधर कोई काम नहीं हुआ है, न कोई रोड बना है, न कोई कार्य हुआ ऐसा, महंगाई सीमा छू रही है, और क्या जानना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? आप अपने निगाह से देख के बतावे ना। सब अपने ही निगाह से बता रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ है बताइए आप? कुछ नहीं हुआ है। वो एक भरम जाल डाल रहे हैं कि हाँ सबका साथ सबका विकास। विकास तो वो कर रहे हैं व्यापारियों का, हम लोगों का कहा, गरीबों का क्या करते हैं? गरीबों को तो मुआ दे रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। सही है, ये मोबाइल लगवले हुआ ना, पूरा पहुंचा दिया एकदम दिल्ली तक, दोनों एक अगर दिक्कत ना है उनसे कह दिया कि ये जवन करत हुआ अच्छा ना है। हाँ, देश के संगे जितना अत्याचार करत हुआ, ये देश के साथ जितना अत्याचार हो रहा है उतना न किसी सरकार में हुआ था, न किसी सरकार में होगा। कल बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। हाँ, बनारस को स्मार्ट कर दिए हैं एकदम, इसलिए तो धरना दिए थे सब। हाँ, बनारस में उनको देखकर अब बोले कि आ गया ये फिर चोर, तो यही तो कहते हैं सब। अच्छा, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2022 में? बता देली ना कि जोगी नर है, बाकी चाहे जे रहे। अच्छा, आपका आपके नजरिए से कौन सा बहुत अच्छा नेता या मुख्यमंत्री होंगे? अब देखा बे समय तक जे जौन पहले जे रहल, जैसे मुलायम रह, मायावती रह, मायावती भी ठीक रहनी, मुलायम जी भी ठीक रह, अखिलेश कुछ दिन रहना वो ठीक रहना, ये जोगी बाबा आयल हुआ दू बेरी से, ये जितना बुरा कैले हुआ उतना बुरा केहू न करे। इतनी नाराजगी क्यों है योगी आदित्यनाथ से? इसलिए है कि कुछ किया नहीं आदमी। अरे वो तो आप भी मंदिर पे रहते हैं, वो भी मंदिर पे रह चुके हैं। अरे मैं विवाद क्यों है? मैं मंदिर पर रहता हूँ और वो मंदिर पर रह रहा था, आज आकर राज कर रहा है। जब जोगी हो आप तो आपसे राजनीति से क्या मतलब है? मैं इस मंदिर पर हूँ, मुझे विधायकी लड़ने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? एक बात आपसे प्रश्न जानना चाहता
हाँ जान लीजिए। ये जो आपकी आंखें हैं, क्या हम आप हमें देख रहे हैं? नहीं। अच्छा, एक चीज आपकी बात जानना चाहते हैं कि क्या आप कितने तक पढ़े लिखे हैं, क्योंकि इतने बेवाकी से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दैवी शक्ति है या शिक्षा दीक्षा ली? एक को अक्षर नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, कोई अक्षर नहीं पढ़ा हूँ मैं, ये दैविक शक्ति है, दैविक शिक्षा है। दैविक शिक्षा? हाँ जी, ये मंदिर मैं ही बनवाया हूँ। अच्छा, ये मंदिर मैं ही बनवाया हूँ, ये मंदिर मैं ही बनवाया हूँ, इसके ऊपर मंदिर है वो भी मैं बनवाया हूँ। हाँ, तो ये देखिए, नाराजगी तो है, लेकिन इस गांव के और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या मूलभूत आवश्यकता यहाँ के गांव को की जरूरत है, क्या किस चीज़ की अभी आवश्यकता है, और भी लोग हैं, हम थोड़ा उनसे भी बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशोरी लाल है। किशोरी लाल जी, क्या करते हैं? यह हम काम करीला। कौन सा काम? नरेगा काम। अच्छा, प्राइवेट है? प्राइवेट में 350 है। 350 है। नरेगा में कितना है? 200। 200। हाँ, कितना मिलता है आपको? आधार और प्रधान आधार छोड़ ले उसको ही में। अच्छा, तो आप लोग कहीं कहते नहीं है किसी अधिकारी से ब्लॉक में जाकर? कैसे कहीं, सब तो ही में बात। तो विश्वास तो किसी पे करना चाहिए ना? विश्वास वो जब चोरी हो, हर बार विश्वास कहाँ करी हम, जो मन से आधा खा गलत हुआ, जिकरे ना जानकारी पढ़ा लिखा ना हो, 10 दिना काम किया, 15 दिना किया, 1 महीना किया, जानकारी हो। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2022 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? देखा भैया, मुख्यमंत्री एकदम जो बनी तो बढ़िया हो, और क्या जे रहो इज्जत से चलो, और इज्जत न करे। हाँ, योगी जी कैसे मुख्यमंत्री हैं? और भाई बदन भैया बटौना है ना, आप बताइए आपके नज़र में कैसे हैं मुख्यमंत्री? ये कि ठीक आदमी ना हो। हाँ, ठीक आदमी ना हो। इस मामले पे को हर मामले में और सब ठीक हो। हाँ, जितना जनता है इसमें सब ठीक हो, बाकी तो हुआ रन कुछ गड़बड़ हुआ। तो बोला, तो हर गांव में नाराजगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और हर जनता यही कह रही है कि इस बार सरकार हम बदल देंगे, क्योंकि नाराजगी जब होती है तो कहीं ना कहीं वो भड़ास चुनाव में ही निकाला जाता है। महंगाई भी कम हो जाओ, शांति से चलो, तेल भी अटन काले से मिलो, तेलों में तो अटन घुसे जेठवा आदमी बोला कहाँ। गाँव में कितना काम हुआ है? काम रेंगला गाँव में अटन कुछ ना काम भला। क्या पूर्व प्रधान काम नहीं कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस बार जो प्रधान बने हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी? आपन आपन बनावा के फिर में आदमी लपट जा, जितना प्रधान हो ठुमन बस आपन आपन देखा दुनिया का नाम, दुनिया जहलने में जाओ। रघुराम कन्हैया, रघुराम कन्हैया, बाप नाम मथुरा। क्या बात है? यही है, रहते हैं अपने। क्या आवास नहीं मिला? ना, अभी नहीं मिला। क्या समस्या है? आधा तवन शौचालय बना, वही प्रधानी मोह रह गया, उसे पूरा नहीं हुआ। प्रधान से नहीं कहे? कहे तो कहाँ, कि आप बनवाइए, अब हमारा प्रधानी खत्म हो गया। कितने दिनों से? अरे हो गया, 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। इसी बताइए, अब नया आए हैं, नया बने, क्या उम्मीद है आप? ठीक है, चल रहे हैं अभी। इनको चार्ज मिला कि नहीं? भी मिल गया सारे। हाँ, तो काम अभी करा रहे हैं, धीरे धीरे पूरा काम नहीं करा रहे। और क्या समस्या आपके गाँव की? अरे समस्या तो बहुत है, कोई रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, सब गाँव की तरह ऐसे ही अधूरा में पड़ा हुआ है, बनवाई कम ना कहीं। तो इस गांव का जो रास्ता है, हम लोग भी 4-व्हीलर से आए हैं तो देखे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है, और जाहिर सी बात है जब स्थिति खराब रहेगी तो नाराजगी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज बकेट, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।